हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसानियत की शुरुआत इसी देश से हुई है। दोस्तों एक बात तो आपने सुनी होगी कि जब इंसान को किसी चीज की परवाह नहीं होती है तो वो गरीबी में भी बिंदास लाइफ जीता है। आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं वो देश गरीब तो जरूर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स, लेकिन इस देश के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ की कॉफी लोगों को बहुत पसंद आती है। यहाँ की लड़कियों के बारे में बस एक ही बात कही जाती है कि दुनिया में कहीं भी आपको इतनी सारी डस्की ब्यूटीज एक साथ नहीं दिखते। दोस्तों एक ऐसा देश जहाँ हर रात तकरीबन 26 से 27 लाख लोग रोड पे दौड़ते हैं और वो भी नेकेड, लेकिन किस लिए वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों आज हम आपको अफ्रीका के देश कीनिया के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं। आपसे वादा करता हूँ कि आप इन फैक्ट्स को देखकर बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों केन्या ईस्टर्न अफ्रीका का एक देश है जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ केन्या, या इसे जमहूरिया केन्या के नाम से भी जाना जाता है। ये देश कुल 5,80,367 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के मुताबिक ये दुनिया का 48वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या है लगभग 5 करोड़ और दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये 29वें नंबर पे आता है। केन्या के पड़ोसी देश की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में है साउथ सूडान, नॉर्थ में है इथियोपिया, ईस्ट में सोमालिया, वेस्ट में युगांडा, साउथ में तंजानिया, तो वही साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन। दोस्तों आपको अगर सफारी करने का शौक है तो ये देश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केनियन सफारी दुनिया भर में नामी है। इस सफारी का आनंद लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। सफारी में लोगों को वैसे बहुत खुशी मिलती है, वो अलग बात है कि जंगली जानवरों का डर रहता है, बट लोग इसे बहुत एंजॉय करते हैं। दोस्तों केन्या देश का इतिहास गुलामियों से भरा रहा है। 100 सालों से ज्यादा तो केन्या ब्रिटेन का गुलाम रहा। 12 दिसंबर 1963 को केन्या ब्रिटेन से आजाद हुआ, जिसके ठीक एक साल बाद ही इस देश ने संविधान अपनाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया। दोस्तों केन्या एक ऐसा देश है जहां पर कि कोई भी मर्द एक से ज्यादा पत्नी अपने साथ रख सकता है और वो भी लीगल है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें जितनी बार भी शादी कर लें, आपकी पहले की बीवियां आपको रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दूं कि इस देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश तो दूसरी है स्वाहिली। हालांकि यहाँ 60% लोग इस देश में लोकल लैंग्वेजेस ही बोलते हैं। दोस्तों एक सर्वे में पता चला है कि कम पैसे होने के बाद भी अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं खुश रहते हैं तो सूची में केन्या दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसे बहुत नहीं है लेकिन ये लोग बहुत ही खुश रहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। बाय द वे दोस्तों, पहले नंबर पे जमैका है जहाँ के लोग पैसों के बिना भी खुश रहना अच्छे से जानते हैं। इससे एक बात तो प्रूव हो ही जाती है कि खुशी और पैसे का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस देश में लड़के एक से ज्यादा बार भी शादी कर सकते हैं, वहीं यहाँ पर दहेज भी अलाउड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दहेज की शुरुआत ही 10 गायों से होती है। कहने का मतलब यह है कि आपको दहेज में किसी को कम से कम 10 गायें तो देनी ही होंगी। क्या आपको पता है कि केन्या के एथलीट्स दुनिया भर में फेमस हैं? हाफ मैराथन हो या स्प्रिंट्स, आपको विनर्स ज्यादातर केन्या के ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग गॉड गिफ्टेड हैं इस मामले में, इनका एंड्योरेंस काफी बेहतरीन होता है। दोस्तों जब बात चल रही है खेल और खिलाड़ियों की तो आपको बता दें कि यहाँ पर 26 से 27 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रात 11 बजे से रोड पे भागना शुरू कर देते हैं, वो भी बहुत कम कपड़ों में। सोचिए ऐसा क्यों करते हैं यहाँ के लोग। भाई सबको यहाँ एथलीट बनने का भूत जो सवार है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई रोड पे चल रहा है और नंगा आदमी पीछे से भागता हुआ है, आप कैसा फील करेंगे। पर केन्या में ये आम बात है। क्या आपको पता है कि केन्या देश का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं? दोस्तों इस देश का पैसा आता है कॉफी एक्सपोर्ट से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश में कॉफी का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के बीच में कॉफी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। जी हाँ, केन्या के लोग या तो चाय पीते हैं या फिर बियर पीते हैं, हालांकि वो कॉफी एक्सपोर्ट जरूर करते हैं। दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि केन्या में कोई भी सरकारी यातायात के साधन है ही नहीं। इस देश में हमारे देश की तरह रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं। आपको बता दें कि इस देश में चलती हैं केवल वैन्स, और उन छोटे वैन्स में भी 19 लोगों को बिठा दिया जाता है ठूस ठूस कर। क्या बात है। क्या आपको पता है कि केन्या को फ्लावर गार्डन भी कहा जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या रोज के उत्पादन में दुनिया में 3रे नंबर पे आता है। यहाँ से गुलाब के फूलों का बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केन्या से कॉफी का एक्सपोर्ट काफी बड़े पैमाने पे किया जाता है, वही यहाँ सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, और उसके बाद टूरिज्म इस देश के लिए बड़े लेवल पे रेवेन्यू इकट्ठा करता है। एशिया से तो कम ही लोग हैं जो केन्या घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन यूरोप से काफी संख्या में लोग आते हैं केन्या को देखने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या देश को लैंड ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है।
इस देश में सबसे ज्यादा 1132 अलग अलग तरह की पक्षियां रहती हैं। जी हाँ, 1132 अलग अलग तरह की पक्षियां। क्या आपको पता है कि केन्या के एक वकील ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 50 गाय, 100 भेड़ और साथ में बकरियां देने की बात कही थी? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बराक ओबामा का दामाद बनना चाहता था। आपको इन्हें बताया कि बावले अमेरिका में गाय भैंस देके शादी नहीं होती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि केन्या की लड़कियों को डस्की ब्यूटीज कहा जाता है। एक सर्वे में पता चला है कि यूरोप से आने वाले टूरिस्ट में से 47% ऐसे होते हैं जो केन्या में घूमने से कहीं ज्यादा यहाँ की लड़कियों को घूरना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो क्यों, वही पता चला आपको अब केन्या घूमने का असली कारण? सफारी के नाम पे दंगल है। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि दुनिया में प्लास्टिक बैग्स को लेकर अगर सबसे ज्यादा कड़ा कानून कहीं है तो वो इसी देश में है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई भी इस देश में प्लास्टिक बैग बनाता हुआ पकड़ा जाता है या बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 4 साल की कैद या 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, से नो टू प्लास्टिक वायलेंट केन्या। दोस्तों, साफ पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया का कुछ हिस्सा केन्या में भी पड़ता है। आपको बता दें कि ये विक्टोरिया झील 3 देशों में फैली हुई है, तंजानिया में 49%, युगांडा में 45% और केन्या में 6%। यहाँ भी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं मजे लेने के लिए, छुट्टियों में अपना समय बिताने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी मसाई ट्राइब्स के बारे में सुना है? ये दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं अपने रहन सहन के लिए, अपने कल्चर के लिए। ये ज्यादातर मसाई मारा, सेरेंगेटी और आम्बोसोली जैसे रिजॉर्ट्स के पास रहते हैं। केन्या और तंजानिया में इनकी संख्या 10 लाख के करीब है। इस जनजाति के लोग सरकारी नियम और कानूनों पर नहीं चलते, बल्कि इनके अपने बनाए मौखिक नियम कानून हैं, जो इनकी जिंदगी के सभी पहलुओं को समेटते हैं। मसाई समुदाय में समूह का बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है और उसी के फैसले माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी इनकी सोच हमसे बहुत अलग है। दोस्तों, प्लास्टिक के अलावा एक और चीज जिसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं वो है हंटिंग करना। केन्या में हंटिंग करना साफ मना है। आप यहाँ सफारी का मजा तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी जानवर पर वार किया तो समझिए कि आप जिंदगी भर जेल में ही होंगे। दोस्तों, नैरोबी इस देश की राजधानी है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन आपको यहाँ कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ भी आपको वैन से ही ट्रैवल करना होता है। वैसे आपको बता दूं कि नैरोबी में आपको एक से बढ़कर एक मॉल्स दिख जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको नाइट लाइफ का शौक है तो नैरोबी में आप खुल के मस्ती कर सकते हैं। यहाँ आपको हर 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक नाइट क्लब मिल जाता है, बस आपको वहाँ जाना है और फुल ऑन मस्ती करनी है। यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत फ्रेंडली होती हैं, जो आपकी दोस्त बन जाती हैं। बस देखने वाली बात ये रहती है कि आप उनके साथ कितनी देर तक नाच सकते हैं, क्योंकि वो तो थकती नहीं, आप जरूर थक जाओगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं इंसान आया तो वो केन्या में ही आया। आपको बता दूं कि यहाँ पर इंसानों के सबसे पुराने कंकाल मिले हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद इंसानियत की शुरुआत इसी देश से हुए थे। क्या बात है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जो कि पहली बार इस देश की यात्रा पे गए थे? सोचे सोचे दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि बराक ओबामा ही थे। उससे पहले और उनके बाद कोई भी केन्या के दौरे पे अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं गया। वैसे तो इस देश का दौरा करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि केन्या का भोजन आपको अपनी अद्भुत किस्मों और विदेशी स्वादों के साथ रोमांचित करेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो केन्या में आप एक से बढ़कर एक जायकों का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ सबसे फेमस फूड है चोमा, ये नॉनवेज फूड है और इसे रोस्ट करके बनाया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में ये डिश बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, केन्या और अफ्रीका का ही एक और देश है ट्यूनीशिया, जहाँ के लोगों के बीच मान्यता है कि मछलियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बुरी नजर को खत्म कर सकते हैं। इस सोच के साथ केन्या के कई लोगों ने अपने घर के निर्माण के समय मछलियों के हड्डियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अगर घर की दीवारों में मछलियों की हड्डियां होंगी तो कोई उनके घर की तरफ बुरी नजर नहीं डालेगा। क्या सोच है केन्या के लोगों की। वैसे भी दोस्तों, अफ्रीका हमसे बहुत अलग है। केन्या के राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख पर्यटक आकर्षण नैरोबी नेशनल पार्क है, जो पर्यटकों में बहुत हिट है। नैरोबी नेशनल पार्क राजधानी के बीच में बना हुआ है। इसमें विदेशी जिराफ हैं, जो इस तरह के प्राकृतिक परिवेश में बहुत कम देखे जाते हैं। मसाई मारा रिजर्व और आम्बोसेली नेशनल पार्क शेरों, हाथियों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नैरोबी के बाद मोम्बासा केन्या का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये एक तटीय और बहुसांस्कृतिक शहर है, जिसमें स्थानीय लोगों, अरबों, भारतीयों और यूरोपीय लोगों की विविध आबादी है, और इन सब ने मिलकर इसकी वास्तुकला को भी प्रभावित किया है। ये शहर अपने खूबसूरत रेतीले समुद्र तटों, संग्रहालयों और साथ ही दी ओल्ड टाउन और फोर्ट जीसस जैसे ऐतिहासिक स्थानों के लिए जाना जाता है। केन्या की करेंसी शिलिंग है, जो लगभग 1.45 भारतीय रुपए के बराबर है। मतलब कि भाई, आप कम पैसों में भी यहाँ बिंदास घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं।
और अंत में एक और बात जो केन्या और उसकी राजधानी नैरोबी के लिए कही जाती है वो ये है कि डे टाइम में तो आप यहाँ पे सेफ हैं, लेकिन प्लीज रात के समय आप यहाँ नहीं निकले तो बेहतर है। नैरोबी में स्पेशली कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि क्राइम रेट हद से ज्यादा है, और तो और अगर आपके साथ कोई लोकल बंदा ना हो तो घर से बाहर न निकलना ही आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर बाहर से आए लोगों को किडनैप करना एक आम बात है, तो बच के रहिएगा जरा। तो फ्रेंड्स, ये था केन्या। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो वहां, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।